आप लोगों ने सब महाराज ने सारे वेद पुराण उपनिषद महाराज बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने क्या समझ पाए। उन्होंने जो ब्रह्मवाद जो मायावाद जो फिलोसफी को उनने खंडन किया कैसे, इसलिए महाराज ने बड़ी अच्छी अच्छी श्लोक बताए चैत्र चरितामृत में बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन आप लोग कितना समझ पाए आपको पता होगा। इसलिए यहीं पर ही महाप्रभु ने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी को साथ में बड़े शास्त्रार्थ हुआ है। इसलिए भागवत में एक श्लोक है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंध अपि गुरु क्रमे कुर्बन अहितु की भक्ति इतम भूत गुणारी। इसी श्लोक को ऊपर में लास्ट में तर्क वितर्क हुआ और यही श्लोक को श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 तरह का व्याख्या किया एक श्लोक को, क्योंकि वो बृहस्पति स्वयं देव गुरु बृहस्पति है, इसलिए उनके लिए इसलिए संभव हुआ, साधारण व्यक्ति के लिए नहीं। महाप्रभु ने कहा अगर आपका आदेश हो मैं भी थोड़ा कुछ बोल सकता हूँ। बोले तू क्या बोलोगे, तो साधारण व्याकरण पढ़ने वाले और हम स्वयं बृहस्पति सार्व, उनका नाम सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम मतलब क्या, संपूर्ण भूमि में जो विद्वत आवी, संपूर्ण पृथ्वी को जो उन्होंने अपना हाथ की मुट्ठी में रखा है, इसलिए उनका नाम सार्वभौम भट्टाचार्य है। बोले तू क्या बोलेगे, साधारण संस्कृत पढ़ने वाले। बोले अगर आपका आदेश हो ना थोड़ा बोल सकता हूँ। बोले ठीक है बोलो। वो सोच रहे थे हाँ होगा, इधर उधर कुछ बोल देगा, लेकिन श्रीमन महाप्रभु ने उनका कोई भी व्याख्या को टच ही नहीं किया और उन्होंने तो मायावादी ब्रह्मवादी पर किया, लेकिन महाप्रभु ने भक्ति पर उन्होंने उसी श्लोक उन्होंने 8 तरह का व्याख्या किया। बोले बाबा रे ये क्या बोल रहा है, वो तो अक्के बक्के चक्के हो गए। और यही श्लोक को जब महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को पास में उन्होंने 64 तरह का व्याख्या किया। कितने तरह का, 64 तरह का व्याख्या किया। ये चैतन्य चरितामृत में व्याख्या किया हुआ है, एक एक शब्द को उन्होंने क्या क्या, आत्मा के कितने शब्द, हाँ इतना अलग अलग उन्होंने व्याख्या किया है। इसलिए जिस व्याख्या को सुन करके सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए ये साधारण व्यक्ति को अंदर में कभी ये विद्वता हो ही नहीं सकता है, लगता है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं भगवान है। बोले प्रभु आप बताओ हे कौन। तो महाप्रभु ने षडभुज रूप में दर्शन दिया, फिर उन्होंने 100 श्लोक में महाप्रभु को उन्होंने वंदना किया। इसका पहला श्लोक था बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेकम पुरुष पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्जातमहं प्रपद्ये। उन्होंने 100 श्लोक में ये पहला श्लोक है, कहते क्या है ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, कहते वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। कलयुग में उन्होंने वैराग्य विद्या और निज भक्ति योग को शिक्षा देने के लिए स्वयं जो परात्पर तत्व भगवान ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, फिर तो उन्होंने उनके चरण में लोटपोट खाने लग गए। हाँ जब उन्होंने ये रूप का दर्शन कराया, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं पहले मैं कौवा था, कहा 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 करता था है? और कौवा क्या खाता है, बोले नीम फल को, लेकिन आप तो कौवा से गरुड़ बना दिया, कौवे से मेरे को कोयल बना दिए, और कोयल क्या खाता है, आम का जो मधुपान करता है। पहले मैं ब्रह्म 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 बोलता था, अभी मेरे को अपने भक्त बना दिया, और अभी मैं आपकी आशीर्वाद से भगवान के प्रेम रस का आस्वादन करूंगा। इसलिए यही श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी का भवन है। परवर्ती समय में गंगा माता गोस्वामी आप जानते होंगे यहीं पर आकर के उन्होंने भजन किया है, और जिनकी भजन से गंगा स्वयं जब दशहरा में सबके सब स्नान करना चाहते थे, लेकिन वो क्षेत्र संन्यास ले चुकी थी, मैं छोड़ करके पूरी छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा, सारा लोग जा रहे थे गंगा दर्शन करने के लिए, लेकिन ये तो उन्होंने क्षेत्र संन्यास ली थी, स्वयं गंगा देवी स्वयं अभी हम जाएंगे यहाँ पर श्री क्या गंगा श्वेत गंगा है, यहाँ पर गंगा देवी स्वयं प्रकट हुई है, ये गंगा देवी स्वयं प्रकट हुई और कैसे उन्होंने देखा रात में हाँ कैसे हजार हजार लोग स्नान कर रहे हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।
तब उन्होंने देखा कैसे जगन्नाथ मंदिर को अंदर चली गई, जगन्नाथ जी के चरण से गंगा स्वयं प्रकट हुई। फिर सबेरे पुजारी लोगों को देखो भैया इतना आयोला कहाँ से आ रही है, दरवाजा खोल करके गंगा माता को देखा, बोले इनको तो बड़े साधु मानते थे, ये तो रात में चोरी करने के लिए ठाकुर जी के अलंकार को छुप गई, बोले जेल में बंद कर, चोरी करती है इसलिए जेल में बंद कर दो। जब बंद कर दिया रात को, जगन्नाथ जी स्वप्न दिया, नहीं ये मेरी परम भक्त है, मैंने अपनी इच्छा से ही मैंने ही इसकी महिमा को जगत में प्रकाश करने के लिए यहाँ पर लाए, जाओ तुम उनका शिष्य बनो। और राजा स्वयं उनका शिष्य बने और रोज आना इनकी प्रसाद की व्यवस्था की, उनका भी भजन स्थली। इसलिए महाप्रभु का सारे परिकर यहाँ पर आए, सार्वभौम भट्टाचार्य यहीं पर रहे और उन्होंने बेटी एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को प्रसाद खिला रहे थे, उनका जो दामाद था क्या ना साठी अमो और दामाद देखो, अरे इतने दामाद आपको जानते होंगे, दामाद को बंगाल में ना साक्षात भगवान रूप में पूजा करते हैं, इतने सेवा करते हैं, लेकिन उन्होंने महाप्रभु के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाते थे। बोले ये सन्यासी होकर के इतने बढ़िया बढ़िया खाना खिला रहे, घर का दामाद मैं हूं, मेरे कोई आदर नहीं। एक दिन उन्होंने निमंत्रण दिया और उन्होंने महाप्रभु के लिए बढ़िया सुंदर सुंदर खाना बनाया, खाना बनाया तो वो छटपट कर रहा था, वो सार्वभौम बोले नहीं जानकार लोभी बदमाश है, वो देख रहा था पास में नहीं, छटपट कर रहा था क्या महाप्रभु के लिए खाना बनाया। और महाप्रभु जो खाना खिला रहे थे ना, साग भाजी चाटनी परवान चकाचक, और उन्होंने आकर कैसे देख लिया, बोले सन्यासी इतना खाता है, बोले सन्यासी इतने खाता है, ऐसे महाप्रभु को बोल दिए। इतने में सार्वभौम भट्टाचार्य इतने क्रोधित हो गए, अपना बेटी साठी थी, बोले साठी तू राणी हो जा, मतलब तू विधवा बन जा, ऐसे दामाद की जरूरत नहीं। कितना जिनके प्रिय ना राम वैदेही, तेजिय कोटि वैर समझत्य भी परम स्नेही, परम स्नेह का कारण होने पर भी अगर कोई कृष्ण भक्ति में विरोध करता है उनको परम शत्रु मान करके त्याग दो, उन्हें अभिशाप दे दिया, रांडी हो जा। कहां बृहस्पति सचमुच से उसका करला हो गया तो डायरिया हो गया, उसने शरीर छोड़ दिया। महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु आए और उसको छाती पर हाथ रखे, हैं बोले अमो तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का हृदय में ईर्षा नहीं बता बैठानी चाहिए, ईर्षा ये चंडालिनी होती है, कहां ब्राह्मणों का हृदय में भगवान की भक्ति को बैठानी चाहिए, तुमने ये कहां चंडालिनी, ये कहां हृदय में चंडालिनी को बैठा, उठो आगो। अमोक सचमुच से हाथ रखते ही वो जिंदा हो गया, मरा हुआ व्यक्ति को महाप्रभु जिंदा किया, हाँ जैसे श्रीवास को बच्चे को जिंदा किया। बोले हृदय में ईर्षा को त्याग दो, हृदय में भक्ति लाओ, द्वेष छोड़कर प्रभु का भजन करो, भक्ति करो, फिर उन्होंने जिंदा किया, फिर महाप्रभु का भक्त। इस स्थान है ना सब महाप्रभु की अत्यंत पवित्र लीला स्थली, हम लोग बड़े भाग्यवान है, इस सब स्थान पर आए, कथा सुन रहे, कीर्तन सुन रहे, हम बड़े भाग्यवान है। गौर प्रेमानंदे।